तो स्वागत है। यदि आप भी देश की सेवा करना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, यदि खास तौर से यदि आप जीडी की भर्ती देखना चाहते हैं, तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, ठीक, आपकी पढ़ाई कितनी होनी चाहिए, लंबाई कितनी होनी चाहिए, उम्र कितनी होनी चाहिए, मेडिकल आपका क्या फिट होना चाहिए, एनसीसी सर्टिफिकेट लिए हैं तो उससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, या आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक। तो आज की इस वीडियो में हम आपका सारा डाउट क्लियर कर देंगे कि आप दोबारा जीडी की भर्ती देख रहे हैं या पहली बार जीडी की भर्ती देख रहे हैं या आर्मी में आपका जाना सपना है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए तो आप आर्मी में जा सकते हैं। यदि जो मैं बताने जा रहा हूं ये चीज आपके पास नहीं है तो आप मत देखिए आर्मी की भर्ती, क्योंकि आपको छाड़ दिया जाएगा। तो आप जानिए कि आपके पास क्या क्या यदि होगा तो आप आर्मी की भर्ती देख सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आप यदि हमारे इस चैनल पर नए हैं और आर्मी में जाना चाहते हैं तो हम आपकी एंड तक मदद करेंगे, अंत तक मदद करेंगे और सारी जानकारी हमारी इस चैनल पे दिया जाता है। यदि आप आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल बटन दिया है उसको दबा लीजिए, क्योंकि सारी आर्मी की इंफॉर्मेशन आपको घर बैठे बैठे मिलती रहेगी जब भी आप इंटरनेट ऑन करेंगे, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पढ़ाई से लेकर मेडिकल फिटनेस सब कुछ बताएंगे, ठीक। सबसे पहले बता दें जीडी, खास तौर से लड़के जीडी की भर्ती इसलिए देखते हैं कि जीडी में सबसे ज्यादा लड़के पकड़ते हैं। यदि एक बैच में 30, 40, 50, 60, 70 लड़के जीडी की बैच में पकड़े जाते हैं, यानी इससे भी अधिक पकड़े जाते हैं, इसलिए ज्यादातर लड़के 10th पास करके जीडी की भर्ती देखते हैं, ठीक। तो आज हम बताएंगे जीडी की भर्ती आप कैसे निकाल सकते हैं या क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है या क्या क्या आप में एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सबसे पहले बात ले लेते हैं कि पढ़ाई की, आप 10th पास होने चाहिए, ठीक, किसी भी बोर्ड से आप 10th पास होने चाहिए। अगर 10th पास हैं तो आपका 45% ऑल ओवर आपका परसेंटेज होना चाहिए, हर एक विषय में आपका 33% होना चाहिए, हर एक विषय में, हर एक सब्जेक्ट में आपका 33 से ऊपर नंबर होना चाहिए, टोटल आपका 45% होना चाहिए अगर आप क्लास 10th पास हैं तो। ये तो मैंने आपकी पढ़ाई की बात बता दी, इसमें ये भी बताऊंगा आपकी उम्र। चलिए बात आ जाती है 17.5 से 17.5 से आपका 21 साल एज होती है जीडी की भर्ती देखने के लिए, ठीक, तभी आप जीडी में जा सकते हैं, ठीक, नहीं तो आपको उसके बाद टेक्नीशियन या क्लर्क या अदर कोई देखना पड़ता है, ट्रेडमैन वगैरह। आपकी रिलीजन देखिए, जैसे आपका मेडिकल होता है, सबसे बात मैं बता देता हूँ आर्मी का मेडिकल, आपकी फिटनेस, अगर आपकी फिटनेस है तभी आपको लिया जाएगा। यदि आप पैर आपका खराब है, हाथ खराब है या कुछ और खराब है तो आप मत देखिए, क्योंकि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक। तो चलिए बता देते हैं मेडिकल में क्या होता है। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक, रजिस्ट्रेशन करना होता है, फॉर्म भरना होता है, दौड़ निकालना होता है, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है, ठीक, फिजिकल वगैरह टेस्ट होता है, फिर मेडिकल टेस्ट होता है, फिर रिटेन एग्ज़ाम होता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर फाइनल मेरिट बनती है, फिर आपका इनरोलमेंट नंबर आता है और आपको ट्रेनिंग सेंटर पे भेज दिया जाता है। यहाँ तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि आर्मी में जाते कैसे हैं, पहला स्टेप कौन सा है, दूसरा स्टेप कौन सा है, तीसरा स्टेप कौन सा है। तो मैंने आपको बता दिया, रजिस्ट्रेशन का पहला स्टेप हो गया, दूसरा फिजिकल निकालना रहता है, तीसरा मेडिकल होता है, चौथा आपका रिटेन एग्ज़ाम होता है, पाँचवा आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, छठवां मेरिट लिस्ट बनती है, सातवां आपको सेंटर ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता है, ठीक। तो चलिए उसके आगे बात कर लेते हैं फिटनेस की। जैसे कि मैंने आपको बताया क्या क्या आपका सही होना चाहिए, आपका फिटनेस यानी शरीर से आप स्वस्थ और तंदुरुस्त होने चाहिए, आपकी आंख में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कलर विजन वगैरह सबसे इंपॉर्टेंट आंखों पर ध्यान दिया जाता है, ठीक। उसके बाद आपके कान हो गए, ठीक, नाक हो गई, ईटीसी, जो भी बॉडी का, ये आदमी का बॉडी का पार्ट होता है, हाथ पैर दांत मुंह दांत नाक सब कुछ आपका नॉर्मल यानी एक साधारण इंसान की तरह होना जरूरी है, ठीक, और यही फीमेल पे भी लागू होता है, ठीक। चलिए अब बता देते हैं आपका क्वेश्चन पेपर, यानी आप यदि पढ़े लिखे हैं तो आपको क्वेश्चन पेपर में आता क्या है। क्वेश्चन पेपर आपका 50 पूरा टोटल क्वेश्चन होता है, ठीक, और इसमें 100 नंबर का क्वेश्चन होता है आपको। देखिए यहाँ पे जनरल नॉलेज, यानी जनरल नॉलेज जिसे लड़के जीके के नाम से जानते हैं, इसके 15 क्वेश्चन होते हैं और 30 नंबर के होते हैं, ठीक, 15 क्वेश्चन होते हैं, 30 नंबर के होते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। उसके बाद जनरल साइंस, सभी लड़के जाते हैं जीएस जीके के नाम से जाना जाता है, उसमें भी 15 क्वेश्चन होते हैं, 20 नंबर के होते हैं, ठीक, 20 नंबर। मैथमेटिक्स यानी हिंदी में इसे गणित कहते हैं, ठीक, और गणित का 15 क्वेश्चन होता है, ये भी 30 नंबर का होता है, ठीक। अब ये लॉजिक रीजनिंग यानी रीजनिंग का यानी तर्कशास्त्र का आप नाम हिंदी में सुने होंगे, उसे रीजनिंग कहते हैं, उसमें भी 5 क्वेश्चन
आते हैं और 10 नंबर का होता है। टोटल 50 क्वेश्चन हो गए, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 100 नंबर का आपका पेपर होता है और 100 नंबर का आपका फिजिकल होता है, तो इसे मिला के 200 नंबर हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपका कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं जीडी की भर्ती से संबंधित। चलिए अब बताते हैं, यदि आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आपको क्या क्या फायदा होगा। ठीक, देखिए यदि आप एनसीसी होल्डर हैं यानी आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, यदि एनसीसी का सर्टिफिकेट ए है तो 5 नंबर आपको लिख के मिल जाता है। ठीक, आंख बंद करके आर्मी वाले 5 नंबर देते हैं। अगर एनसीसी सर्टिफिकेट बी है तो आपको 10 नंबर मिलता है आंख बंद करके। यदि एनसीसी सर्टिफिकेट भी है यानी सी है तो आपकी किस्मत खुल जाती है। किस्मत इसलिए खुल जाती है कि आपको एग्ज़ाम ही नहीं देना होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको 100 नंबर का एग्ज़ाम नहीं देना होगा, आपको सिर्फ 100 नंबर का फिजिकल निकालना रहता है। अगर आपने एनसीसी सी सर्टिफिकेट लिया है तो आपको सिर्फ आपको आपकी दौड़ निकालनी रहती है। ठीक, डायरेक्ट में सिंपल भाषा में ये आपको कह देता हूँ। ठीक, चलिए अब आपको आगे बात करते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ज़्यादातर लड़कों का सवाल होता है, सर मुझे डॉक्यूमेंट जीडी की दोबारा भर्ती देख रहा हूँ, डॉक्यूमेंट में छांटा जाएगा कि नहीं छांटा जाएगा, या पहली बार देख रहा हूँ तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो सब कुछ देखिए क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले एडमिट कार्ड, उसके बाद आपको फोटो ले जाना होता है, कलर वाइज 20 से अधिक ले जाइएगा। एजुकेशन सर्टिफिकेट, 10th या 12th पे आपने जो फॉर्म भरा था उसे ले जाना होता है। यहाँ पे नेगेटिव डोमिसियल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, जहाँ के मूल निवासी होते हैं वहाँ का प्रमाण पत्र ले जाता है। और ये आपकी जाति कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। ठीक, ये तो हो गया, ये तो आप समझ गए, फोटो भी खींच सकते हैं। अगला देखिए, रिलीजियन सर्टिफिकेट यानी आपका रिलीजियन सर्टिफिकेट, धर्म से संबंधित सर्टिफिकेट, या आपके घर में कोई आर्मी वगैरह में है तो उसका सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं, उससे फ़ायदा मिलता है। स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी जिस स्कूल से आप पढ़े होते हैं वहाँ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट मिलता है वो, तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। स्कूल को द्वारा या प्रधान के द्वारा भी लिखवाया जाता है, जो गाँव का प्रधान होता है। एनसीसी का सर्टिफिकेट यदि है तो बहुत अच्छा है। रिलीजियन सर्टिफिकेट, रिलेशन सर्टिफिकेट, यदि आपके पापा भैया आर्मी में है तो बहुत ही फायदा होगा। अनमैरिड सर्टिफिकेट गांव का प्रधान बनाकर देता है, मैरिड सर्टिफिकेट भी गांव का प्रधान बनाकर देता है। उसके बाद आपका यदि अकाउंट है, पेन कार्ड या आधार कार्ड, इसमें से कोई डॉक्यूमेंट एक मतलब कंफर्म है कि आपको लेके जाना है। उसके बाद 14वां होता है एफिडेविट, जो आपको कचहरी, नोटरी जिसे हिंदी में कहते हैं नोटरी, वो आपको बनवा के लेके जाना होता है। ठीक, तो यहाँ तक मैंने आपको सब कुछ बता दिया, इसका फोटो भी आप खींच सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको आर्मी में जाना है तो जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हम आपके साथ हैं। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो सारी जानकारी आपको दी जाएगी टाइम टू टाइम, और आपको आर्मी में जाने से कोई नहीं रोक सकता। इन जवानों के बीच में अगला नंबर आपका है। जी हाँ दोस्तों, मैं भगवान से दुआ करूंगा कि अगला नंबर आपका जल्दी से जल्दी आ जाए। ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ हमारी वीडियो में बताया जाता है कि क्या कैसे होता है, सब कुछ बताया जाता है। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लिए, अब तक हमारे आप चैनल पर नए हैं, नहीं जुड़े हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर एक ज्वाइन इंडियन की आर्मी की खबर आपको मिलती रहे। जय हिंद दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए वीडियो शुक्रिया।